पहाड़ पर आज फिर से मौसम बदल चुका है। यहाँ बारिश और बर्फबारी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बिल्कुल, उत्तराखंड में देहरादून समेत कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। बता दें कि मौसम विभाग ने 8 और 9 फरवरी को प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान पहले से जताया था। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई है। देहरादून समेत कई हिस्सों में बारिश हो रही है। पहाड़ पर मौसम का यू टर्न देखने को मिला। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जाहिर की थी 8 और 9 फरवरी के लिए, और मौसम का मिजाज पहाड़ों पर बदल चुका है। मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। एक बार फिर से मौसम बदला है, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अगर देखें तो मौसम विभाग की ओर से पहले से चेतावनी जारी की गई थी, और उसके बाद जो तस्वीर हमने देखी, बारिश बर्फबारी जगह जगह पर नजर आई। ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। बिल्कुल, यह देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 8 और 9 फरवरी को मौसम का मिजाज बदलने का पूर्वानुमान जताया था, जिसके बाद आज से प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से 3 दिन पहले की बात करें तो 3-4 फरवरी को भी प्रदेश भर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, और उस वक्त इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी कि तकरीबन 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई थी, कई गाँव में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई थी। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि यदि 2 दिनों में भी बारिश का मिजाज इसी तरह से बना रहता है तो प्रदेश भर में फिर से मुसीबतें बढ़ सकती हैं, और सबसे ज्यादा मुसीबतें चुनाव प्रचार से नेताओं को हो सकती है, क्योंकि ये चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। इन 2 दिनों के बीच में तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं। 12 फरवरी को प्रदेश भर में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, और मौसम नासाज रहा और इसी तरह से मौसम का मिजाज बना रहा तो सबसे जो परेशानियां हैं वो नेताओं को होने वाली हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, और उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी भी राजधानी में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, और 8 और 9 फरवरी को प्रदेश भर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है, और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखिए, अभी बारिश शुरू हो गई है और ये कहा सकता है कि 2 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा। बने रहिए पंकज, आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड में प्रचार करने आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 फरवरी को रुड़की में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के पक्ष में वो माहौल तैयार करेंगे। प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी की जनसभा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 14 फरवरी को एक ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव होना है, ऐसे में 12 फरवरी चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख होगी, और उसी दिन योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। योगी आदित्यनाथ का दौरा है 12 फरवरी को, जहां उत्तराखंड में पहुंचेंगे और रुड़की में 12 फरवरी को जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे अहम खबर की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, और इस घोषणा पत्र को भाजपा ने दृष्टि पत्र का नाम दिया है। देहरादून में दोपहर 12:15 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दृष्टि पत्र का विमोचन करेंगे। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान नितिन गडकरी के अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा कई दिग्गज भी मौजूद रहने वाले हैं। अब देखना होगा आज जो दृष्टि पत्र यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें क्या वादे किए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। अब उत्तराखंड में आज दोपहर करीब 12:15 पर यानी कि 12:15 आज भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। और पंकज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। उत्तराखंड की सियासत बहुत ज्यादा अलग है, जो कि बदलती भी रहती है, ऐसे में वादे भी उसी तरीके के किए जाएंगे जिससे कि जनता को रिझाया जा सके, समझाया जा सके और उन्हें पूरा भी किया जा सके। बिल्कुल अनु, देखिए, आज भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा पत्र ही होता है, और जो भाजपा आज जारी करने जा रही है, भाजपा ने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र का नाम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 2017 के अगर दृष्टि पत्र पर भाजपा की नजर दौड़ाए तो
तकरीबन 50% वादे भी भाजपा पूरे नहीं कर पाए, चाहे हम लोकायुक्त की बात करें, गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात करें, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, पलायन की बात करें, ये ऐसे अहम मुद्दे भाजपा ने अपने 2017 के घोषणा पत्र में रखे थे जिनको पूरा करने का वायदा किया था, लेकिन 5 साल बीत गए, देखिए फिर से भाजपा चुनाव में है और चुनाव में फिर से अब नया घोषणा पत्र भाजपा लेके आ रही है और इसमें भाजपा का यह दावा है कि प्रदेश भर के तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोगों की राय इसमें ली गई है, जिसमें 500 पेटियां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड आई थी, जिसमें सुझाव दिए गए थे घोषणा पत्र में ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन जहां तक कहा जा सकता है क्योंकि वादे अगर जनता से कर रहे हैं और जनता का आप सुझाव ले रहे हैं तो उन्हें पूरा क्यों नहीं करते हैं। पिछले 5 साल में भाजपा 50% भी अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं कर पाई और फिर देखिए चुनाव में जाकर घोषणा पत्र को पूरा वादों के रूप में लाने की कोशिश की जा रही है, जनता के सुझाव लिए गए हैं, लेकिन भाजपा के तमाम दिग्गजों ने कमरे में बैठकर यह घोषणा पत्र तैयार किया है, सुझाव कितने जनता के उसमें शामिल किए ये तो आज अभी 12 बजे के बाद फाइनल हो पाएगा कि क्या क्या चीजें उसमें रखी गई, लेकिन अगर चुनावों में आप घोषणा पत्र कर रहे हैं, दृष्टि पत्र जारी कर रहे हैं तो उनको वादों को पूरा करने की हिम्मत भी पार्टियों को रखनी चाहिए। भाजपा ने 2017 में अपना जो घोषणा पत्र रखा था, देखिए उसमें पलायन सबसे अहम मुद्दा रखा था और कई गांव ऐसे हैं जो इन 2017 के बीच से लेकर अब तक 2022 तक खाली हो गए हैं, तमाम लोग अपने अपने रोजगार के लिए बाहर चले गए हैं, रोजगार का एक अहम मुद्दा भाजपा ने रखा था और अभी भी इन 5 सालों में 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो भाजपा ने रोजगार कहां दिया है, ये तमाम ऐसे विषय हैं। देखिए लोग भी सोच रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, वो वादे करती हैं, घोषणा पत्र लाती हैं, उनको पूरा क्यों नहीं करती हैं, तो अब 12 बजे का इंतजार करना होगा। नितिन गडकरी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और वो इसको घोषणा दृष्टि पत्र को आज जारी करने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे उसमें रखने हैं, 2017 से कितना अलग ये घोषणा पत्र होगा ये देखना होगा, लेकिन वायदों को 2022 से लेकर 2027 तक कितना पूरा कर पाएगी भाजपा का सरकार में आती है तो ये भी एक दिलचस्प बात होगी। बिल्कुल पंकज, और ये देखना होगा कि आज जो दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी उसमें क्या कुछ वादे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। उत्तराखंड में पलायन सबसे अहम मुद्दा है जिसके लिए सपा ने अपने घोषणा पत्र में विशेष ध्यान दिया है। उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए खास अहमियत दी गई है, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्वतीय क्षेत्रों में होटल या रिजॉर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, सभी जिला अस्पताल और प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने की बात भी कही गई। इसके अलावा हर जिले में मिनी सिडकुल की स्थापना, इसमें स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से उद्योग चलाना, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सभी स्कूलों में आधुनिक उपकरणों से प्रयोगशाला, पुस्तकालयों की स्थापना का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया गया है। और इसी तरीके से गुंजन, प्रदेश में नई कृषि नीति को लागू किया जाएगा, पर्वतीय और मैदानी किसानों को लाभ और पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी पहले 2 साल में पूरा करने का वादा भी समाजवादी पार्टी ने किया। बंद विद्युत परियोजनाओं को चालू करना, हर महीने एक गैस सिलेंडर, बिजली पानी के बिलों में 50% की छूट देने की गारंटी भी इसमें दी गई है। और गढ़वाल मंडल के लिए तीर्थ स्थल को देखते हुए वैकल्पिक रूटों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उत्तराखंडी प्रवासियों को वरीयता देने को भी कहा गया। तो ये तमाम वो वादे हैं जो समाजवादी पार्टी ने किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की एक बेंच की स्थापना देहरादून में हो, ये भी एक वादा है, ताकि उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून में लोगों को नैनीताल ना जाना पड़े। बिल्कुल। और गुंजन, पट्टे धारकों के लिए भी बड़ा वादा है, मालिकाना हक देने का वादा समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। और साथ ही प्रदेश में एक परिवार को एक निजी आवास बनाने के लिए रेत, लकड़ी, बजरी की मुफ्त व्यवस्था समेत कई वादे समाजवादी पार्टी ने किए। तो देवभूमि के लिए जो समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है उसमें विजन कई सारे हैं, वादे कई सारे हैं और हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये विजन डॉक्यूमेंट यानी कि घोषणा पत्र तैयार किया गया है। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 के उत्तराखंड चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताया है। पार्टी का घोषणा पत्र आगामी 2 दिनों में सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव किए। उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा। और केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी के पास एजेंडा भी है। उत्तराखंड के सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा और प्रदेश को 24 घंटे बिजली भी दी जाएगी।
और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इन दिनों मिशन पहाड़ पर जुटे हुए हैं। आज भाजपा के दो दिग्गज नेता उत्तराखंड के दंगल में नजर आएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पौड़ी में आज प्रचार करेंगे। दरअसल जेपी नड्डा पौड़ी की चौबट्टा खाल विधानसभा में भाजपा के सतपाल महाराज के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऋषिकेश में जनसभा करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे गडकरी प्रचार मैदान में नजर आएंगे। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि 14 फरवरी को यहां पर चुनाव है और प्रचार के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। वहीं पहाड़ पर सियासी पारा बेहद गर्म है गुंजन। भाजपा एक बार फिर देवभूमि में कमल खिलाना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी के दिग्गज उत्तराखंड में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। बिल्कुल इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 14 विधानसभाओं को साधने के लिए कल वर्चुअल जनसभा की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस और बीजेपी के काम में आसमान जमीन का अंतर है। कांग्रेस ने उत्तराखंड को निराश किया है। कांग्रेस ने समाज में जहर बोया है। कांग्रेस के राज में पलायन हुआ। कांग्रेस जो भी करेगी एक परिवार के लिए ही करेगी। कांग्रेस ने विकास कभी नहीं किया। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज किया, उत्तराखंड में भी राज किया, कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको चार धाम की याद आई। ये वो लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में बसें भर भर के उत्तराखंडियों को दिल्ली से धकेल दिया। वही अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री रश्मिका मदान की सुपरहिट तमिल फिल्म पुष्पा का खुमार इन दिनों पूरे देश पर छाया हुआ है। पूरे देश पर इस वक्त पुष्पा का कहर है और शायद यही वजह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसके जिक्र से खुद को रोक नहीं पाए। बिल्कुल, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने फिल्म पुष्पा के डायलॉग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जोड़ते हुए अलग अंदाज में पेश किया। वो आपको सुनाते हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के धोरा डाम में भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के पक्ष में जनसभा की। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड में भाजपा सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर एक समुदाय को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कन्यादान और मतदान सोच समझकर ही करना चाहिए, इसलिए उत्तराखंड के विकास के लिए 14 फरवरी को कमल के फूल वाला बटन दबाएं। देखिए, एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का समग्र विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी अपने उसमें एजेंडे में रखती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तुष्टीकरण है वोटों के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए ये तुष्टीकरण उत्तराखंड के अंदर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोगों का आज उत्साह है, समर्थन है, आशीर्वाद जनता दे रही है, माताओं बहनों का है, बड़े बुजुर्गों का है, नौजवानों का है और बच्चों का उत्साह भी है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले और प्रचंड बहुमत की। और अब की बार हमने नारा दिया, अब की बार 60 पार। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22।
खटीमा में भाजपा के स्टार प्रचारकों और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने सीएम और भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में किया प्रचार। इस दौरान उन्होंने कहा प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने पौड़ी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। कहा देश और प्रदेश का विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, इसीलिए इस बार भी बंपर वोटों से भाजपा उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। 10 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन और जोगेश्वर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा देश में जहां महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, वहीं खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार में चीन लगातार भारत की सीमाओं पर कब्जा कर अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। सचिन पायलट ने मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में वोट मांगा। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा डबल इंजन की सरकार बताने वाले लोग आज हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। प्रदेश में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने तेज की चुनाव की तैयारी। पोलिंग पार्टियों की रवानगी को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 12 फरवरी से अलग अलग जिलों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बागपत के छपरौली से विधायक और भाजपा उम्मीदवार सहेंद्र सिंह के काफिले पर हमला हुआ। ये हमला उनके रोड शो के दौरान हुआ। हमला करने वालों ने काफिले में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला किया और भाजपा समर्थकों की लाठी डंडों से बीच सड़क पर ही पिटाई कर दी। सहेंद्र सिंह का काफिला प्रचार के अंतिम दिन रोड शो करते हुए रमाला किरथल लुमतुंगाना से होते हुए छपरौली पहुंचा था और उसी वक्त रास्ते में उनके काफिले पर हमला किया गया। देखिए ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर, दोनों ही घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रचार का आखिरी दिन था, रोड शो कर रहे थे सहेंद्र सिंह, उसी वक्त उनके काफिले पर हमला किया गया।